अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। हमारे होम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं ना साहब, महमूद अली साहब जी जी। साहब मैं खैरुद्दीन सूफी बात कर रहा हूँ साहब। जी साहब कवाड़ी गुड़े का कब्रिस्तान का क्या है साहब? वहाँ पर जो है ना डबल बेडरूम बनाने के वास्ते आज जो है ना वजीर साहब और हमारे चेयरमैन साहब जाके मुआयना किए वहाँ पर। और जब ये पे यहाँ कवाड़ी गुड़े के कब्रिस्तान में साहब थरथरे शाह साहब की दरगाह है, और जी वहाँ कब्रिस्तान में डबल बेडरूम बनाने के लिए हमारे खबरानी टी खबरस्तान में है खबरा भी है, कैसा बना खबरा है खुली खाली जमीन। जगह क्या हाँ खाली थोड़ी खाली जगह है, घर वाला बने हुए क्या लोग नहीं घरा होना कुछ भी नहीं है साहब, कब्रिस्तानी से पूरा। तो ठीक है बात कर बेचे दोनों जरा देखिए साहब, अब ये कब्रिस्ताना पहले दफन होने के लिए जगह नहीं है। अब सही ये है हुकूमत जो है ना, आप कब्रिस्तानों का ये हाल करेंगी तो कैसा होगा हमारे होम मिनिस्टर साहब साहब। आपकी? आप देखिए जी साहब आप हुकूमत कई करी आपके चेयरमैन साहब गए बोल रहे हैं एमएलए साहब गए बोल रहे हैं ये तो देखिए, डेफिनेट उनसे अब बात करेंगे। इस वक्त थोड़ा तीस सीएम साहब तीस डिसीजन लिए तो हुकूमत का रहता हो नहीं नहीं देखिए साहब डिसीजन तो लिए नहीं ना जाके देख रहे हैं बोल रहे ना नहीं, तो एक बात मिनट साहब, टी श्री नवास यादव साहब गए बोल रहे ना आज विजिट करे उन्होंने, और हमारे चेयरमैन साहब उन्होंने भी करे बोल रहे ना हाँ चेयरमैन साहब भी गए, बात नहीं उनसे और बात वक्फ बोर्ड का अमला ये बता रहा है कि ये वक्फ जमीन है, तो उन्होंने झिटका दे रहे हैं श्री नवास साहब। हाँ ये वक्फ बोर्ड का कैसा होता है बोल रहे, खामोश बैठो बोल रहे। अब ये तो जुल्म की इंतहा हो गई ना हमारे होम नहीं मिनिस्टर बात साहब। करता हूँ बात करूँ बात साहब जरा तवज्जो लीजिए साहब आप, नहीं तो जरूर अब लेंगे ये बात क्यों आप खुद जो ना इसकी संगीनियत को समझिए आप जरा। नहीं समझ गया हूँ बात करता ये अच्छी बात है सब, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।